नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। जी हां, हम आपको बता दें, सोमवार को कांग्रेस और भाजपा विधायक दलों की बैठकें हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक दल ने कारम डैम, पोषण आहार पर सीएजी की रिपोर्ट, भर्तियों और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी जैसे मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो वहीं देर रात 11 बजे तक चली सीएम हाउस में भाजपा विधायक दलों की बैठक में विपक्ष से किए गए सवालों के जवाब को देने की बात कही गई। महिला बाल विकास विभाग के पीएस अशोक शाह ने पोषण आहार को लेकर सीएजी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर विधायकों के सामने जवाब दिए। आपको बता दें, आज सरकार की तरफ से 4 अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर के अगरमालवा दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही दोनों ही दल की बैठकें की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज़ में।